मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर खाद्य विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके बाजार में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बिक रही है। ऐसा ही एक मामला देवास में देखने को मिला, जहां एक्सपायरी डेट के कुरकुरे खाने के कारण एक मासूम बच्ची की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद परिजन उस दुकान पर पहुंचे जहां से बच्ची ने कुरकुरे खरीदे थे और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। वहीं दुकानदार से जानकारी लेकर प्रशासन की टीम कुरकुरे बनाने वाली कंपनी पहुंची, जहां तिगलिंग नामक कंपनी पर बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के कुरकुरे के पैकेट बरामद किए। बताया जा रहा है कि कंपनी में कुरकुरे और चिप्स सहित कई प्रकार की खाद्य सामग्री बनती है। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम ने मौके से सैंपल ले लिए हैं। वहीं पुलिस ने भी कंपनी संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। और खंगारू टाइप के बच्चों के आइटम बनाते हैं लोग, और यहाँ पे हम शिक्षिता और एडीएम साहब को शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसके तार तरह हम जांच के आए हैं और हमारे द्वारा जो इसके जो फिंगर स्कोर इन चीजों के सैंपल दिए जा रहे हैं, हमारे द्वारा वो सैंपल भी लेके भेजे जा रहे हैं जांच में, और जांच में जो आएगी उससे खतरे समाधान। पैकेट पे क्या नजर आया अभी आप? पैकेट पे इसमें जो है क्लियर नहीं है डेट, बेस नंबर पैकिंग डेट क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग लेबोरेटरी भेज रहे हैं। उसके अंदर का माल भी जांच होगा और मेजबान के। हमारे औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक आवेदक ने आकर बताया कि उसकी बेटी ने कुरकुरे का पैकेट लिया था और उसके खाने का उसकी तबीयत खराब हो गई है और उल्टियां वगैरह उसको हो रही हैं, कुछ सही खाद्य पदार्थ नहीं है। तो उसको फिर हम पुलिस ने तत्काल चेक करवाया तो वो एक्सपायरी डेट का होना पाया गया। उसको पुलिस ने देखा, जहां से लिया गया था वहां पता किया, तो उसने बताया कि ये है यहां की औद्योगिक क्षेत्र की टिगलिक बर्ड प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री से इसको उसने लिया है। और उसके बाद में फूड अधिकारियों को बुलवाया गया और वहाँ मौके पर चेक किया गया, तो वहाँ पर ऐसी काफी संख्या में जो है एक्सपायरी डेट के पैकेट्स होना पाया गया है। तो फूड अधिकारी इसमें चेक करके उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं।